स्टूडेंट्स, मैं प्रेम आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि √2, √3, √5 इस तरीके के नंबर्स को हम लोग इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने कर लिया। तो अब देखते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, फिलहाल प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। तो स्टूडेंट, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन में टारगेट ये होता है कि ये स्क्वायर रूट वाले नंबर को अकेले रखना। क्या करना, उसको आपको अकेले करना है। ठीक है, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है लैंग्वेज लिखने का, ये भी होता है एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं, रेशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट 3 + 2√5 इज अरेशनल। एंड स्टूडेंट्स, पता है हम लोगों को रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो कर सकते हैं इसको, देयरफॉर इट कैन बी written in the form of p by q। तो लिख लेते हैं p by q के फॉर्म में। This implies 3 + 2√5 = p by q। करना क्या है स्टूडेंट्स, अगेन एंड सेम टारगेट है स्क्वायर रूट को एक जगह कर अलग रखने का। तो क्या करते हैं, 3 को उस तरफ लेकर चले जाते हैं, 2√5 = p/q − 3। Remember students, ये p by q क्या है, एक rational है, and 3 is also a rational, and we know that difference of rational is rational। तो ये क्या दे रहा है, एक rational number है। ठीक है, now यहाँ पर क्या हो गया, difference of rationals is rationals। ठीक है, तो therefore क्या हो गया, p/q − 3 is rational। ये तो नजर आ रहा है rational है। similarly now √5 = ये क्या होगा, 2, reciprocal हो जाएगा इधर आगर। ठीक है, क्या होगा, p/q − 3। अब remember ये क्या एक rational है, and 1/2 is also a rational, and product of rational is rational। ठीक है student, product of rational is rational, also product of rational is rational। ठीक है students, rational है, therefore ये भी 1/2 p/q − 3 is rational। अब अगर situations की बात करें student, तो ये RHS side में एक पूरा क्या आ रहा है, rational आ रहा है। तो ये RHS LHS side √5 भी क्या होगा, एक rational आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये possible है कि रेशनल इक्वल टू रेशनल तो हो रहा है, लेकिन रूट फाइव क्या है, हमने प्रूफ कर लिया कि ये एक इरेशनल है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इरेशनल इक्वल टू ये रेशनल हो जाए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। तो क्या कर सकते हैं, हियर देयरफॉर क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, हमने पहले इसको प्रूफ किया गया कि √5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर, हमने प्रूफ कर चुका है। तो अब यहां पर रेशनल कैसे है, ठीक है, एक ही व्यक्ति को हम लोग दो-दो अलग-अलग पर्सन के रूप में कैसे सोचेंगे, नहीं सोच सकते। तो √5 को जब हमने पहले इरेशनल प्रूफ किया तो रेशनल नहीं हो सकता है स्टूडेंट। देयरफॉर ये क्या कर रहा है, हमारे पहले प्रूफ किए हुए बातों को क्या कर रहा है, झुठला रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब, this contradicts
the fact that root 5 is irrational. ये फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता है, देयरफॉर ये हेंस क्या हो गया, रूट फाइव इज इरेशनल, ठीक है। ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया कि पहला तरीका कि हम लोग ने कैसे किया, एक तो ये हो गया p by q के फॉर्म में। इस तरह के जो कुछ भी क्वेश्चन को आप, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड क्या आता है, होता है, वो हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो p by q के फॉर्म में हमने किया, ठीक है, तो इसको तो रेशियो कंसीडर करना ही करना है। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए स्टूडेंट ये क्या है, यहां पे टारगेट वही स्क्वायर रूट को अकेला करने का, ठीक है। तो इसको हमको अकेला करना है रेशनल, और हम लोग को पता है डिफरेंस ऑफ रेशनल क्या होता है स्टूडेंट, रेशनल, ठीक है। तो यहां पर क्या कर ले, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या माइनस करते हैं, यहां पर आप कुछ भी माइनस कर सकते हैं, बस टारगेट होना चाहिए कि स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट 5 को आप के लिए रखना है, ठीक है। तो क्या कर लें, 3 प्लस 2 रूट 5 फिलहाल तो नजर आ रहा है कि अगर रिप्लेस कर ले 3 तो ये सिर्फ बचेगा 2 रूट 5, तो कर लेते हैं माइनस 3 इज ऑल्सो रेशनल, ये भी क्या आएगा, एक रेशनल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि रेशनल माइनस रेशनल माइनस रेशनल इक्वल्स टू रेशनल, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स देखो कि ये जो 3 है और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 3 एंड दिस इज माइनस 3, तो ये घटकर 0 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 2 रूट 5, ठीक है, इज अ रेशनल, क्यों, क्योंकि हमने रेशनल से माइनस किया रेशनल को, तो रिजल्ट इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां पर 2 बच गया, 2 को फिर से रिप्लेस करना है, तो क्या करें, अब तो यहां पर कुछ एडिशन सबट्रैक्शन का है नहीं, 2 को कैंसिल करना है, सपोज 2 से अगर डिवाइड कर ले, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड कर ले तो 2 रिप्लेस होगा, 2 से डिवाइड करना या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों क्या है, सेम बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कर लेते हैं, नाउ 2 अंडर रूट 5 इनटू 1/2 इज आल्सो अ रेशनल, ये भी क्या है, एक रेशनल होगा, क्यों, क्योंकि रेशनल इनटू रेशनल इक्वल्स टू रेशनल, ठीक है। अगर ये याद नहीं करना है स्टूडेंट, तो क्या कर लीजिए, आप डायरेक्ट याद ही कर लो, रेशनल इनटू रेशनल, रेशनल आता ही नहीं, सपोज रेशनल एक 1/2 लिया, ठीक है, और दूसरा एक रेशनल ले लिया 5/3, तो प्रोडक्ट लेने पर क्या आ रहा है, 5/6, दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अब देखो यहां पर क्या बच रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो एक रेशनल होना चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट, रूट 5 इज अ रेशनल, अगेन फिर वही बात आ गई घूम फिर के, रूट 5 को हमने पहले प्रूफ करा इरेशनल, एंड नाउ ये बता रहा है क्या कि रूट 5 एक रेशनल है, तो यहां भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रा
टेक्स्ट कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने अज्यूम किया 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। तो क्या होगा, इफ हैपेंस ड्यू टू द अजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस ये आ जाएगा क्या, 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल। तो आपको जो तरीका पसंद आए स्टूडेंट, आपको वो करना है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग तरीका पढ़ने से अच्छा है ना कि एक ही तरीका आप एडॉप्ट कर लो, इसे भूलने की बीमारी नहीं, ठीक है। तो तरीका से मैं पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखो, स्क्वायर रूट को अकेला रखो, फिर आगे सॉल्व करो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, सी फॉर कमेंट एंड एल फॉर लाइक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।